for now, if anybody has any questions, raise your hand. There's a gentleman right there. Yes, sir. Abhishek, आपसे सवाल है. हाँ जी. एक्टर्स की अपनी वजहें होती हैं जो ओरिजिनल फिल्म होती है उसमें काम करने या ना करने की. अली जफर नजर नहीं आ रहे, तो क्या पहले से डिसाइडेड था कि मनीष पॉल को ही लेना है या कुछ और वजह थी, अगर आप उस पर रोशनी डाल सके? नहीं देखिए, अली का जो किरदार था पहली फिल्म में, उसकी जर्नी पूरी हो गई है. और ये जो फिल्म है, जैसा कि हमने बताया, ये शर्मा के कैरेक्टर के बारे में जो फिल्म मेकर है. एंड फिल्म में अली का एक बहुत स्पेशल रोल है. जब आप फिल्म देखेंगे तब आप समझ पाएंगे कि वो क्यों मेन रोल नहीं कर सकते थे. बिकॉज लाइक चिराग सैड, ही इज प्लेइंग हिमसेल्फ. एंड आई थिंक ट्रेलर हैज़ गिवन इनफ हिंट आउट देयर. इफ यू कैन सी इट, अली जफर इज प्लेइंग अ वेरी वेरी स्पेशल रोल विच ओनली ही कुड हैव प्लेड. एंड आई डोंट थिंक दैट ही कुड हैव प्लेड वॉट मनीष इज प्लेइंग, यू नो. सो द आंसर लाइज इन द फिल्म वंस यू सी इट. बट वेन यू सी इट, यू विल नॉट मिस अली जफर. ही इज ब्रिलियंट इन द फिल्म एज वेल. प्रतिमन, आपसे सवाल है कि पिछली बार जब आप लादेन बने थे तो वो ज़्यादा किरदार निभाना मुश्किल था, या इस बार जब आप बने वो ज़्यादा मुश्किल था क्या? पिछली बार ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि पिछली बार मैं बहुत नया था, और पिछली बार पाकिस्तानी किरदार था, मतलब आई वॉज़ फ्रॉम पाकिस्तान, तो वो लहजा थोड़ा सा मुश्किल था. इस बार थोड़ा सा सिमिलर है, अलग है पर थोड़ा सा सिमिलर है, तो इट वॉज़ ईजियर दिस टाइम अराउंड. लेकिन हाँ, पिछली बार तो बहुत इन्होंने तंग भी बहुत किया था. इस बार छोड़ा है तो. इस बार कौन सा छोड़ा है? नहीं, इस बार आपको तंग किया है ना. मेरा हो गया था. आई हैव अ क्वेश्चन. माय क्वेश्चन इज टू अभिषेक की, लाइक डोंट यू फील स्कैर्ड एनी पॉइंट ऑफ टाइम, लाइक टॉपिक इज बिट सेंसिटिव? ओ इज इट? आई डोंट नो. मैं तो पिछली बार भी, आई डोंट नो, यू गाइस आस्क मी दैट. बस एक ही चीज है, मुझे डर नहीं लगता. मैं सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के नंबर नहीं उठाता, बाकी ठीक है. सो बाकी चूंकि अब मैंने ऐड किया सीरिया की भी नहीं उठाता अब मैं. सो बाकी सही है, इज नो प्रॉब्लम. बाकी गाड़ी आजकल इग्निशन नहीं मारते, ये पैदल ही जा रहे हैं. पैदल ही जा रहे हैं, बाकी ठीक है. Hi Manish, over here straight. Hi, yeah. First of all, congratulations, the trailer looks awesome. Thank you, yeah. Thank you so much. My question to you is, you know, we see the promotional campaign of a film kickstarting after the trailer launch, but this time around you went 2 days before to Big Boss. So what was the reason for that? यार एक्चुअली देखिए, हम कोई सेट फॉर्मेट तो फॉलो नहीं कर रहे. आई थिंक कोई भी एक बुक नहीं होती कि दिस इज़ हाउ यू प्रमोट अ फिल्म. आई थिंक इट्स ऑल अबाउट अ प्लेटफॉर्म. कलर्स के साथ मेरा रिलेशन बहुत अच्छा है, सलमान सर के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है, और अगर इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिले, सो आई डोंट थिंक एनी बडी वुड से नो. सो आई एम इन फैक्ट हैप्पी दैट दे गेव अस द चांस टू टेक आ फिल्म देयर, और हमने वहाँ पर फिल्म प्रमोट करी है. एंड आई थिंक उससे काफ़ी ज़्यादा एक बज़ और क्रिएट हुआ. People were very happy. So, अपने आप ही थोड़ा और शोर हो गया, and people are very excited to see the promo today. Thank you. Manish, इस फिल्म में बहुत सारे जो किरदार हैं वो पिछली फिल्म से लिए गए हैं, बहुत सारे जो आर्टिस्ट हैं. आप नए थे, तो आपको इन लोगों के साथ मगअप करने में कितना टाइम लगा या कैसा? देखिए, सबसे पहले तो जब कास्टिंग हुई थी तो मेरे डायरेक्टर साहब जो हैं, इन्होंने मुझे घर बुलाया था चाय पे, डोंट गेट मी रॉन्ग. तो उनके साथ मैं बैठा था, तो आई थिंक ही इज डूइंग अ लॉट ऑफ झलक दिखला जा गए, सो हैंगओवर है. सो नहीं यार, आई थिंक ऑब्वियसली फर्स्ट 2 डेज में थोड़ा डरा हुआ था, मुझे थोड़ा सा वो आउट ऑफ प्लेस लग रहा था. मैंने कहा ये सारे बिल्कुल घुले मिले से थे आपस में, निक नेम्स और ये वो, और बड़ा पहली, और मैं थोड़ा साइड में हो जाता था. आपको भी दिया ना हमने नया नाम, मयूष. नहीं, रहने दो सर. इन्होंने नया नाम दिया मयूष. नहीं, बट आई थिंक इट वॉज जस्ट फर्स्ट 2 डेज, एंड आफ्टर दैट आई थिंक आई डेंट फील कि मैं पहले फिल्म का पार्ट नहीं था. एंड वी हैड अ ग्रेट टाइम. आई थिंक वो ग्रेट टाइम थोड़ा ऑडिशन से स्टार्ट हो गया था, बिकॉज आई हैड टू ऑडिशन फॉर द फिल्म. बिकॉज अभिषेक शर्मा जो है, इनकी फिल्म में अगर आपने छींकना भी हो तो ये आपका ऑडिशन लेते हैं, पहले देखते हैं कि आपको छींक आती है कि नहीं. फिर उसमें भी कहते हैं नहीं, ये छींक ना थोड़ी ऐसे होनी चाहिए, तो इनके लिए पूरा ऑडिशन दिया. बट वहाँ पर एक अच्छा कनेक्ट जो आई थिंक स्टार्ट हुआ था पद्दी के साथ, बड़ा मज़ा आया. और साथ में सर से पता चला कि सर भी दिल्ली से हैं और उसी कॉलेज से हैं जिसमें मैं था. वो अलग बात है कि ये 15 साल पहले पास आउट कर गए थे. 2 साल का डिफरेंस. रहन दो आप, तो वो बस एक डिफरेंस था. बाकी आई थिंक वी हैड अ ग्रेट टाइम. हम लोग इतना हंसे हैं फिल्म के अंदर कि समटाइम्स ये थोड़ा इरिटेट हो जाते थे कि यार क्या कर रहे हो यार, टाइम वेस्ट हो रहा है, यू नो. बट हैड अ ग्रेट टाइम. हाय मनीष. हाय हॉटी. सॉरी, हाय सर. So we all know how hilarious you are in your life. Thank you so much. What kind of humorous element we can see in this movie? देखिए, firstly आपने मुझे hilarious बोला, मुझे बड़ी खुशी हो रही है. Credit मेरे माँ बाप को जाता है, क्योंकि मजाक में मैं पैदा हो गया था. But I feel happy. Thank God उस दिन वो लोग मजाक कर रहे थे. तो सर मजाक ही कर रहे थे उसमें, ठीक है. नहीं बट यार Bonvita presents झलक दिखला. Yeah, whatever.
नहीं यार, आई थिंक सबने मिलकर ही कॉमेडी करी है. ऐसा नहीं है कि मैं ही कॉमेडी कर रहा हूँ बाकी नहीं कर रहे हैं. और आई थिंक ये कॉमेडी मेरी नहीं है, ये कॉमेडी होती है जो लिखी जाती है. आई थिंक हम एक्टर्स होते हैं, हम उसको पोर्ट्रे करते हैं, और डायरेक्टर होते हैं जो हमें बताते हैं कि कहाँ आप थोड़े से गलत जा रहे हो. बट ऑब्वियसली एक टीम वर्क था, एंड द बेस्ट पार्ट वॉज अगर मैं कहीं भी थोड़ा सा इधर उधर जाता था, एवरीबडी वुड हेल्प. वो नहीं था कि सब अपना अपना हम नहीं इसको करने तो गलत करने, वैसा नहीं था. इट वॉज अ टीम एफर्ट एंड सबने बहुत मजा किया. या दैट्स अबाउट इट यार. अरे मेरा सवाल यह कि मुझे कैसे काश किया तुम लोगों ने? सर आप तो बाय डिफॉल्ट हो. क्यों? अभिषेक शर्मा भी मजा, तो पीयूष मिश्रा अभी बात तो हुई सारी, तो वो तो है ही. पीयूष, पीयूष जी का मैं बोलना चाहता हूँ, हम लोग सेट पे फुल मस्ती करते थे. पीयूष जी थोड़ी देर में देखते थे, पीयूष जी कोने में बैठे होकर करते तो मैंने ये क्या कर दिया सर, योगा में चले जाते थे अपना आराम से. कहते थे इतना तुम लोग बकर बकर करते हो यार, थोड़ी देर में आराम से शांति से पेशेंटली ध्यान लगाओ, ध्यान ध्यान. अर्जुन जी, अच्छा जब रियल ओसामा के डेथ की खबर सुनी तो आपको लगा था आपकी पहचान का हिस्सा कहीं खत्म हो गया है? सर इसने तो बैग पैक कर लिया था वापसी का. बहुत कमाल हुआ, जब ये फिल्म रिलीज हुई ना तो मैं बहुत थोड़ा सा फेमस हुआ, लोगों ने मुझे पार्टी वार्टियों में मिला, बड़े बड़े मैं स्टार्स लोगों से भी मिला, डायरेक्टर से भी मिला. उसके बाद 6 महीने बाद ना सूखा पड़ गया मेरी ज़िंदगी में, कुछ काम नहीं मिल रहा था. ठीक है, ऑडिशन दे दे के परेशान परेशान. फिर क्या हुआ, ओसामा की मृत्यु के बाद आप लोग मीडिया वालों ने फिर मुझे जगा दिया. ठीक है, मैंने बड़े इंटरव्यू दिए, सच बता रहा हूँ. कैसा लग रहा है मर के? एक सेकंड में बताता हूँ. एक टीवी चैनल हमारी पिक्चर की फुटेज चला रहा था, इसका फुटेज चला रहा था, मर गया ओसामा मेरी फोटो लगा के. एक बहुत बड़े चैनल है हिंदी वाले, वो मुझे कहते हैं सर आप दिल्ली आ जाइए, हम आपके साथ 5 दिन का स्पेशल करना चाहते हैं. मैंने कहा क्या स्पेशल करना है? बोलता कुछ नहीं, वो ओसामा की जो डेथ हुई है वो दिखाएंगे हम और आपको फेमस करेंगे. मैंने कहा यार क्या कर रहे हो? तो मैं सच बता रहा हूँ कि खैर जो भी है, वो मरा नहीं मरा मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे को फेमस कर गया था. तो इन ऑल ऑनेस्टी थोड़ा फेम अच्छा होता है. इसकी तो मम्मी भी फेमस हो गई. और उसके बाद मुझे काम भी मिल गया था, दो तीन फिल्में नहीं चली पर मिल गई. थोड़ा रेंट दे दिया मैंने 2 साल. इज देयर एनीबॉडी एल्स? नो. अच्छा हां, अरे शौकीन में आपने कॉमेडी किरदार निभाया इस फिल्म में, कॉमेडी तो कॉमेडी आप हमेशा से ज्यादातर संजीदा किस्म के किरदार निभाते रहे हैं, तो आपके लिए सहज क्या है ज्यादा? और अभिषेक से सवाल है कि क्या शौकीन बनाने का कोई मलाल है आपको? लगा ही नहीं कि आपने वो फिल्म बनाई है. मुझे लग रहा है मलाल आपको देखने का शौकीन. आपने इनकी नई गाड़ी नहीं देखी क्या? क्या मलाल होगा? नहीं एक सेकेंड, सी होता ये कि हम जब भी कोई फिल्म बनाते हैं तो हम पूरी शिद्दत से बनाते हैं. And we never think of the result at that time when you're making it. And Shaukeen also, I made with my full passion. But I think at the end of the day, it's a collaborative effort. It's a script and everything, you know, which goes into a film. And then the audience decides. The film didn't do as well as all of us expected, but it was also not a disaster. It's fine. And it's like, agar aapka kabhi accident ho jata hai, to aap gaadi chalana chhod nahi dete. You know, to ab ye to nahi hai ki main retire ho jaun. So it was an accident. So haan, so main bol raha hu ki malal kyun hoga phir? You know, it's not an, it's, it was... इन्होंने भी फिल्म मजाक में बनाई थी. इतनी बुरी कोई फिल्म नहीं थी, वो जबरदस्ती 2.5-3 स्टार तो मिले हैं ना उसे. सो उससे बुरी फिल्में बनती हैं, बड़े उससे भी बड़े बड़े. सुन, हम ऑलरेडी साइंड फॉर द नेक्स्ट. बेटा अगली फिल्म वैसे भी कास्ट कर रहा हूँ, तो मत ले. सो कोई मलाल नहीं है कोई पिक्चर बनाने का, लेकिन हाँ इस बात का मलाल जरूर होता है जब आप कोई फिल्म बनाते हो और एक्सपेक्टेड तरह से रिजल्ट ना आए. जैसे अभी ये फिल्म, जैसे पूजा ने बोला 4 साल की मेहनत है हमारी. सो वी रियली होप हमारे दिमाग में हर तरह का स्टैटिस्टिक्स है, नॉट जस्ट बॉक्स ऑफिस, बट हम किस तरह का रिजल्ट चाहते हैं इस फिल्म का, वो हमारे दिमाग में है, हमको बहुत क्लियर है. अगर वो नहीं मिला तो उसका भी मलाल होगा. बट एवरी फिल्म इज फॉर अ डायरेक्टर, इट इज़ एन एफर्ट ऑफ एन ईयर और यू नो 4 years नाउ इन दिस केस. सो वी नेवर थिंक ऑफ इट लाइक जस्ट वन प्रोजेक्ट, यू नो. सो ऐसा कभी रहता नहीं, कोई मलाल रहता नहीं. बट अभी पीयूष भाई से आपने जो सवाल पूछा था, पीयूष भाई मैं सवाल भूल गया. सर क्या आपको ज्यादा सहज लगता है? कॉमेडी 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 सहज वहज कुछ नहीं सर, वो जो मुझे रोल मिलता है ना और साथ में पैसे भी मिलते हैं वो सब सही कर देते हैं. तो उसमें तमाश लेता हूँ, फिर गैंग से वसूली कर लेता हूँ, मैं मकबूल कर लेता हूँ. मैं वो पैसे जो मिलते हैं वो सबसे खतरनाक चीज़ होती है, तो झक मार के मुझे एडजस्ट करना पड़ता है. मतलब क्या, कोई चारा नहीं. सर कुछ कहना चाहेंगे इस पे जग मार के एडजस्ट जो उन्होंने किया? नहीं वो अगेन पीयूष भाई भी अगली पिक्चर में तो है ही, वो तो मतलब किसी को रेंट देना होता है, किसी को ईएमआई चुकानी पड़ती है, समझ रहे हो आप? नहीं लेकिन
फ्रैंकली स्पीकिंग आपने जो जवाब सवाल किया ना वो ये है कि इतने ये 35 साल की एक ही चीज़ को मैंने अपना शोध का विषय बनाया, दैट इज़ एक्टिंग. और ये लोग भी जब आसपास हुआ करते थे तो मैं इनसे कोशिश करता था कि उनसे जितनी ज़्यादा एक्टिंग के बारे में बात करूं. अभिनय नाम की विधा जो है और वो तभी होती है जब आपको जो चाहे दुनिया की कोई भी चीज़ मिल जाए और आप उसको कर पाने में समर्थ हो, दैट इज़ एक्टिंग, दैट इज़ परफॉर्मेंस. यार देखो अपनी मर्जी यार, जिसने यार मेरा कोई ऐसा ऑनेस्टली हर एक की अपनी कॉमेडी है, हर एक का यहाँ छोटी छोटी बातों पे पंगे हो जाते हैं, तो अपनी अपनी कॉल है लोगों की. आई थिंक हमारा किसी को ऑफेंड करने का कोई मोटिव नहीं है. और आई थिंक कई लोग फालतू चीज़ों में थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देते हैं. हम लोग कॉमेडी में ध्यान दे रहे हैं, हम लोग ये ध्यान दे रहे हैं कि लोगों के चेहरे पर एक स्माइल आए. अगर उस स्माइल आने से किसी को आपत्ति है देन वी एक्चुअली कैनॉट डू एनीथिंग अबाउट दैट. मैं दो टुक बोलता हूँ कि अनार्किज्म है, अत्याचार है, बेवकूफ़ी है, बदतमीजी है. उस बंदे के साथ मुझे कुछ भी हुआ और ऐसे वो किसी बंदे के साथ में अगर कुछ होता है, दिस लाइक किलिंग ऑफ द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. साफ सी बात. कौन कहता है मैं डरता हूं यार? वाओ, मैं किसी से नहीं डरता. जो मुझे डराएगा मैं उसका टुल्लू पंप उखाड़ दूंगा. नो नो, इट्स एब्सोल्युटली प्रोपोस्टस. आई थिंक दैट एज पीयूष भाई राइटली सेड, इट्स किलिंग ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. I mean, comedy is comedy world over. You should be able to, people should be able to laugh. You can't arrest somebody. और मेरे हिसाब से तो I think it is actually किसी को और respect देने वाली, किसी को और ये दिखाने वाली कि हम आपके fan हैं, तभी आप किसी को imitate करते हैं. It's bizarre. Yeah, I think what Chintu ji's reaction was mind blowing. That was it. दीपक ने जो कहा था ना, दीपक डोबरियाल को बुलाया था टाइम्स नाउ में, तो उसने कहा कि वो आया आके फिल्म इंडस्ट्री का मजाक उड़ा के चले गए, एमएसजी बनाई, हम उनका मजाक नहीं उड़ा सकते. वेल सेड सर, वेल सेड. ऑलराइट, आर वी गोना टेक वन लास्ट क्वेश्चन, इफ एनीबॉडी हैज अ लास्ट क्वेश्चन एंड देन वी गोना एंड इट. अभिषेक, आप दैट जेंटलमैन राइट देयर, या टोपी के नीचे बैठे, टोपी के नीचे, या जी. अभिषेक, इस फिल्म में अमेरिका पे आपने कौन कौन से सटायरिकल ट्रेक लिए हैं? और वो मतलब साफ दिख रहा है, जैसे मतलब आर्गो में तरीका अपनाया जाता है, वो लोग ईरान जाते हैं, फिल्म शूट करते हैं और ले आते हैं, तो कुछ इस किस्म के भी डेविड साहब के कैरेक्टर से वो रिजेंबल हो रहा है. अमेरिका से मेरा लव हेट रिलेशनशिप है, मुझे बहुत पसंद भी है वो मुल्क और उसकी पॉलिटिक्स से मैं बहुत गुस्से में भी रहता हूँ. सो इस फिल्म में भी हमने, इस बार ओबामा है, पिछली बार हमने बुश के रजीम का मजाक उड़ाया था. पीपल कीप करेक्टिंग मी कि रजीम नहीं है, वो तो डेमोक्रेसी है, बट आई थिंक समवेयर इन अमेरिका द काइंड ऑफ पॉलिटिक्स, एंड अनफॉर्चुनेटली अगर डोनाल्ड ट्रंप आ जाते तो फिर एक और फिल्म बनाने का मौका मिल जाएगा मुझे फॉर श्योर, बिकॉज अ वेरी कलरफुल कैरेक्टर. आई थिंक दिस सम इशू विद द पॉलिटिक्स इन अमेरिका, एंड आई ऑलवेज एम इंटरेस्टेड इन, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अमेरिका, वॉट अमेरिका डज इज वर्ल्ड पॉलिटिक्स, एंड आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स. सो इन दिस फिल्म ऑल्सो वी आर क्वेश्चनिंग वॉट ओबामाज एडमिनिस्ट्रेशन डिड दैट डे इन अहमदाबाद, वेदर इट हैपन्ड, इट डिडंट हैपन, ऑल्सो द वे दे एंगेज इन प्लेसेज लाइक पाकिस्तान, अफगानिस्तान. आई थिंक दुनिया में, और मैं इसको संक्षेप रखता हूँ बिकॉज इट्स अ फिल्म प्रमोशन, बट मेरा ऐसा मानना है बिकॉज ये प्लेटफॉर्म मिला है तो, कि दुनिया की जो बड़ी तीन चार समस्याएं हैं उसके पीछे अमेरिका है, चाहे वो ओसामा बिन लादेन या टेररिज्म हो, इस्लामिक टेररिज्म हो, उसको डिटेल में जाऊंगा नहीं, यू आर ऑल इंटेलिजेंट मीडिया पीपल, चाहे वो न्यूक्लियर बॉम्ब का खतरा हो, हिरोशिमा स्टार्टेड बाय अमेरिका, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो जिसके ऊपर अब हम बड़े बड़े वचन ले रहे हैं, दैट इज अगेन बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑफ अमेरिका. सो ऑल द बिग इशूज विच हैव कम अप इन लास्ट 100 ईयर्स बिकॉज ऑफ द पॉलिसीज ऑफ वेरियस अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, एंड सो दैट इज समथिंग दैट काइंड ऑफ इंस्टिगेट्स मी टू राइट अबाउट इट, बट बिकॉज आई लव दैम तो इसलिए वो सटायर में और फार्स में निकल के आता है, इसलिए मजाक मजाक में, क्योंकि आप जिन लोगों को प्यार करते हो आप उनसे मजाक में ही छेड़छाड़ करते हो, जैसा कि यू नो मनीष ऑल्सो डज इन हिज शोज वेरी वेल हिज कॉमेडी, एंड आई थिंक दिस फिल्म्स कॉमेडी ऑल्सो, इट्स अ सिमिलर जॉनरा, दैट्स व्हाई ऑल ऑफ अस काइंड ऑफ बॉन्डेड ऑन दिस फिल्म, और मजाक मजाक में फिल्म बन गई, बट आई थिंक नाउ वी आर वेरी हैप्पी दैट इट्स फाइनली आउट. Fantastic. Thank you so much. No, we're done with questions. Chari, thank you so much. अरे अच्छा आप ही हैं. हाँ पूछो सर, आप तो पूछोगे. Please. जागरण से हूँ मैं. हमने अरे सर. जागरण से पूछने दो इनको. पूछें आप. पूछें सर, पूछें. आपका तो पहला हक है. जी बोलिए. आप चारों पांचों से सवाल कि एक तरफ हमें इस किस्म की भी कॉमेडी देखने को मिल रही है और एक तरफ मस्ती ज्यादा या क्या कूल है हम जैसी, मतलब
भी कॉमेडी आ रही है जिसमें एडल्ट और पॉर्न कॉमेडी तक मतलब आ चुकी है. कॉमेडी में अश्लीलता का पुट मतलब लाना मतलब कितना जायज कितना सही या कितना यार देखो आई थिंक अगेन आपकी अपनी मर्जी है. बहुत से लोग पॉन्ड कॉमेडी पसंद करते हैं वो उसे डेफिनेटली देखेंगे. हम उसके अगेंस्ट नहीं है. आई थिंक सबका अपना टेस्ट होता है. लोग देखते सब लोग हैं बोलता कोई भी नहीं है. आप देखने जाएंगे सबसे पहले मैं बता रहा हूँ आप वो रिव्यू करना है. हाँ तो रिव्यू के बहाने सब पता है मुझे. पर क्या होता है देखो यार देखो खुली बात है हम लोग सब देखते हैं ये सब फिल्म्स. लेकिन हाँ बाद में बाहर आ गए अरे यार क्या था ना जी. नहीं यार किसको क्यों हमें ख़राब बोले. किसी ने मेहनत करके अपनी फिल्म बनाई है. आई थिंक वी शुड सी इट एज एंटरटेनमेंट. आपको अगर नहीं लगता सो डोंट वॉच इट. आई थिंक वो अपना फंडा क्लियर रखना चाहिए. तो हम किसी पर क्यों उंगली उठाएं. किसी ने मेहनत करके फिल्म बनाई है एंटरटेन कर रहे हैं एंड वी शुड इन्जॉय दैट. करेक्ट सर. बिल्कुल सही. कहीं तो रेखा होनी चाहिए. नहीं मैं डिसएग्री करता हूँ उस बस. कहीं बॉर्डर लाइन होनी चाहिए यार. मतलब सही बात है आपकी. क्या कुछ तो भी दिखा दोगे. कुछ तो भी दिखा दोगे. पास में मेरी बहन बैठी हुई है पास में माँ. कुछ तो भी दिखा दोगे. सर वो तो डिपेंड बहन को नहीं लेके जाएंगे सर. ऐसी फिल्में बहनों के साथ थोड़ा ना देखी जाती. ऐसी फिल्में तो खाली हॉलों में देखी. बहन को बाहर खिलाएं पॉपकॉर्न खा बैठ के. तू पेप्सी पी आराम से. नहीं मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है. डबल स्टैंडर्ड है ये हमारे देश के और कुछ नहीं है. 130 करोड़ आदमी इकट्ठा कर दिए हमने. ठीक है घरों 125 सर ये तो सरकारी आंकड़ा है. अंदर मत जाइए. चलिए 125 करोड़ आदमी खड़े करें. कुछ तो कर रहे होंगे ना हम कमरों में. ऐसे तो नहीं हो रहा 125. उसामा उसामा तो खेल नहीं रहे होंगे कमरे में. कुछ तो खेल ही रहे होंगे. मजाक तो हो रहा होगा अंदर. तो सर हमारे जो इंटरनेट इंडस्ट्री है जरा आप पता करेंगे. विकिपीडिया वगैरह में जाइए और देखिए हिंदुस्तान में. और अब ध्यान रखिएगा नया आ गया जो भी वीडियो देखता है उसका फोन नंबर आ जाता है अभी. और अभिषेक आप कभी ऐसी मतलब उस जॉनर की फिल्में बनाना चाहेंगे. सर ये उसमें एक्टिंग करना चाहते हैं. मैं डायरेक्ट करूंगा. वो उस जॉनर का आपका क्या मतलब. जस्ट स्पेसिफाई द जॉनर अकॉर्डिंग टू यू. व्हाट इज द जॉनर. एडल्ट कॉमेडी या पॉर्न कॉमेडी. एडल्ट कॉमेडी या पॉर्न कॉमेडी बोले उन्होंने सर. देखिए जहां तक हम लोग जब पीयूष भाई भी थे जहां तक मेरा सवाल है शौकीन जो थी was labeled as a sex comedy even when it came Basudas film and even our film but it was US certified. होता है कि concept कभी अश्लील नहीं होता. treatment अश्लील होता है. आप दुनिया की किसी भी चीज़ के बारे में टिप्पणी कर सकते हो. और इसका एक बहुत अच्छा example है विक्की डोनर which is about you know semen donation but it is done so well so aesthetically done that it is not अश्लील because वो सुजीत सरकार का perspective है जिसमें अश्लीलता नहीं है. so अब as a director जब आप किसी कॉन्सेप्ट को लेते हैं जैसे मैंने बोला शॉकिंग फॉर मी वाज अ सेक्स कॉमेडी बट इवन सेंसर बोर्ड सेड कि इसमें कुछ काटने लायक नहीं है. इट्स यू ए यू मेड द पॉइंट विदाउट मेकिंग इट वल्गर. सो यू कैन डू एनीथिंग विदाउट मेकिंग इट वल्गर. आई डोंट थिंक देयर इज एनी कॉन्सेप्ट विच इज अनटचेबल. सो एज फार एज योर ट्रीटमेंट इज कंसर्न्ड इफ दैट इज गुड इफ यू डोंट हैव एनी डर्ट इन योर माइंड एंड यू आर जस्ट मेकिंग अ मूवी एंड नथिंग एल्स अराउंड इट देन आई थिंक इट्स फाइन. यू कैन मेक लाइक इवन दिस टॉपिक फॉर मैनी पीपल इज कॉन्ट्रोवर्शियल. जैसे अभी पूछा मैम ने कि आपको डर नहीं लगता. बट अगर आप एस्थेटिकली करेंगे तो इवन पिछली बार पाकिस्तान में पायरेसी में बहुत चली है फिल्म यार तेरे बिन लादेन. बहुत पसंद. वहाँ के लोग कह रहे थे कि ये दिमाग खराब हो गया हमारे कॉम का इसको क्यों बैन कर दिया. यू नो सो इफ इट इज डन फ्रॉम अ क्लीन हार्ट एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ सर्टन कॉन्सेप्ट विद अ ट्रीटमेंट विच इज एस्थेटिकली नॉट चैलेंज्ड then you can make anything. I'm fine with it. Fantastic. Ho gaya Jagran ji? Thank you ji. Bas ji, thank you.